इस अवसर पर आप सबको बधाई दूंगा उन 7,000 से अधिक किसानों का जिन्होंने बिना किसी विवाद के जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन स्वयं मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में आकर के उपलब्ध करवाया है। मैं जानकपुर का निवासी हूँ, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जमीन गई है हमारी 80 बीघे। उन्होंने जैसे भी चलाई हॉर्स पे, हमारे बच्चे अंदर थे, कहते जाओ मर जाओ तो कहीं भी जाओ जहाँ तुम्हारा जाना। मकान के पैसा काई के काई खाते में जा रहे हैं, काई के काई खाते में जा रहे हैं। आज 90% जितने हमारे बड़े बूढ़े हैं ना, वो शाम को रोते हैं बैठे। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के दयानतपुर गांव में हैं। ये उन कई गांवों में से एक है जहां की जमीन उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए एक्वायर की है। जहां सरकार का ये कहना है कि लैंड एक्विजिशन का ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था और किसानों को उनका मुआवजा दिया जा चुका है, वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि उन्हें उनका मुआवजा नहीं मिला है और मुआवजे के नाम पर सरकार ने सिर्फ उन्हें बेवकूफ़ बनाया है। उनका ये भी कहना है कि अगर उनकी सभी मांगे आने वाले कुछ दिनों में नहीं मानी गई तो वो इस साल फरवरी में होने वाले उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस को बॉयकॉट करेंगे। मेरा नाम विकास सिंह है, मैं गांव जानकपुर खेड़ी से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर रह करके अपने 12 बीघा जमीन करता था, 4 भैंस और 2 गाय रखता था, उसी से मेरा गुजर बसर चल रहा था। यहाँ पर मेरी 1200 वर्ग मीटर ज़मीन थी जो कि प्राधिकरण ने हमको ये कह करके इतना ज़मीन ली कि आपके लिए हम वहाँ सब कुछ विस्थापित करके देंगे, पशु वाड़ा भी देंगे, भैंस भी रखना, सब काम करना। मगर यहाँ जो 1200 वर्ग मीटर जो ज़मीन थी मेरी, उसमें से 600 वर्ग मीटर ज़मीन मिली है आधी, पशुवाड़ा अभी तक मिला भी नहीं है, भैंस त्रिपाल में बंधी हुई है, एक गाय थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद में वहाँ कोई रोजी रोटी का कोई हिल्ला है नहीं। 15 दिन में यहाँ से गांव तोड़वा दिए, अभी तक वहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं, कोई रहने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मकान के पैसा काई के काई खाते में जा रहे हैं, काई के काई खाते में जा रहे हैं। अब मकान फूट गए, परेशानी काई के 36 नाए, काई के प्लॉट ना आयो। और हमारे साथ तो ऐसे हुए हो कि हमारे गांव के आदमी जो भटकते डोलने हैं, इसमें कम से कम 40-50 प्लॉट हमारे गांव में फ्रोट प्लॉट कटे हैं। और गांव के जो लड़का हैं, जितनी भी बस्ती है, चारों तरफ से किसी का प्लॉट नहीं मिला, किसी के पैसे नहीं मिले, पैसे नहीं ले गए बाहर के। कुछ मैडम आती थी हमारे घर पे, उन्होंने जैसे भी चलाई हॉर्स पे, हमारे बच्चे अंदर थे, कहते जाओ मर जाओ तो कहीं भी जाओ जहाँ तुम्हारे जाना। अब हम झोंपड़े में पड़े हैं, नहीं अब मेरे को वाजी घर मिला, मैं यहाँ 500 गज में रहता था, मेरे को वाजी है 150 गज, बड़ी मुश्किलों से दी है। आज 90% जितने हमारे बड़े बूढ़े हैं ना, वो शाम को रोते हैं बैठ। क्यों? जिसकी जमीन उखड़ती है ना, उसको पता लगती है क्या दिल में दर्द उठता है। रो रो के इनको गाली देते हैं, इनके अपने बच्चे बेघर हो हमारी तरह, तब पता लगती है किसको किसका घर टूटता है। ये किसानों का गला काटा जा रहा है और आगे ये देखो किसान बेचारा कितना गरीब है। इन्होंने पहले बड़े बूढ़ों ने कितनी ज़मीन रखा के अपना पैसा, अपनी ज़मीन रखाई थी, और आज ये भ्रष्टाचार भ्रष्ट अधिकारी, इनको बिल्कुल बर्खास्त किया जाए, इनकी नौकरी छीन ली जाए और इनका इनकी CBI जांच की जाए। हमारे पैसे दे दें हम तो चले जाएंगे और हम जाने को बैठेंगे। हमारे पैसे आ जाएँ लड़की के, मकान के पैसे आ जाएँ, मैं
चार पेड़ है, एक बोरिंग है, लेटरिन बाथरूम नल है घरन में, वो उनके ना आए, बताओ आते आने तो चाहिए किसी के, गरीब मार हो रही है, कोई दिख रहा गरीबी तो दिखे वो यहाँ झोंपड़ी में कोई है, और वो तो नो कह दे हाँ मिलेंगे मिलेंगे, यही कह मैं वीडियो भी एक आध बेर ना गई बन के, खूब वीडियो गई बन के, एक आध बेर ना गई वीडियो बन के, नहीं के मिल जाएंगे मिल जाएंगे। तो आपको भरोसा है उनकी बात पे कि मिलेंगे? हमें तो 6 महीना तो हो गए गाँव में टूटे, हम तो यहीं पड़े हैं, हमें तो कोई भरोसा ना देगा। ये देखिए 2 बीघा खेत का हमारा, मेरा पैसा भी नहीं आ रहा है गांव का, काम के लोग भटक रहे हैं प्लॉटन को भी और पैसान को भी, और बाहर के लोग पैसा दे रहे हैं और उनका काम हो रहा। आईडी बदल, हम पे तो आईडी भी है उनकी, वोटर लिस्ट, कोई विधानसभा सिकंदराबाद, कोई विधानसभा शिकारपुर, कोई जिला अमरोहा, जिला मेवात नू, आई समझे, कोई अलीगढ़ का, मतलब दाएँ बाएँ रिश्तेदार आ गए गाँव के अंदर, और गाँव के उनको काम ना हो रहा, बाहर के लोगों को काम हो रहा। हमारे तो ऐसे भी ना सुने सरकार, मुसलमान हम तो सब नहीं समझते, हमारे कब्रिस्तान है ना मिले, रोज आदमी मरे एक दो, ना जेवर दाए वहाँ दफना रहे, उन्हें मट्टी मांग रहे हैं कब्रिस्तान, इनको कब्रिस्तान जगह मिल रही है, हमको कब्रिस्तान भी ना दिए, बाज गए कहाँ जाकर पड़े हम, बाज गए कोई मार गो तो हमें डी सी मन में ढल डोल लें, कभी कहीं ले गए कभी कहीं ले गए, और जो वहाँ सरकार ने जितने मुआवजे की कही है वो मुआवजे पूरा तो करे हमारे है। ऐसी सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, ऐसी सरकार से हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे विधायक जी बढ़िया थे जो हमें थोड़ा सहारा दिया, नहीं सरकार ने हमको को बिल्कुल सोच लिया, साले को चौपट कर दो, मेवों को मार दो, हिंदुओं को मार दो, मंदिर नहीं मस्जिद नहीं, कोई कफ्ताने नहीं चीटा नहीं है, हमारे गाँव में 15 डेड बॉडियों ने वो गाड़ी में जाती हैं 3 किलोमीटर दफनाने के लिए, हिंदू भाई ले जाते चीटा में दूसरी जगह है, हमारी मैयत जो जाती है हम ये सोते के दलकने लगे, बड़े प्यार से ले जाते हैं मैयत को, गांव से यहाँ लाते थे हॉल हॉल है, अब हमारी गाड़ी जा रही है चलती मैयत हमारी। नहीं हम बीजेपी को नहीं देंगे, बीजेपी को बिल्कुल नहीं देंगे, काले झंडे दिखाएंगे बीजेपी को, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगर ये नहीं सुनेगी सरकार तो बहिष्कार कर देंगे, चुनाव का बहिष्कार, नोटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कोई भी सरकार आ जाए सब तानाशाही है। योगी जी को वोट देंगे जी, बिल्कुल देंगे, योगी जी को वोट देंगे, और जहाँ तक हो जितनी भी अपनी वैसी भी वोट है सब योगी जी को दिलाएंगे। योगी जी ने बहुत करा है, जब हम पे अपना परिवार ही नहीं संक्षित हो सका तो वो तो बहुत बड़ा एक यूपीएससी है, एक देश के बराबर यूपी है, तो देखो ये धीरे धीरे होगा, योगी जी धीरे धीरे करो, ये भ्रष्टाचार खत्म करो, हर आदमी पैसे मांग रहा है, हर आदमी पैसे मांग रहा है, बताओ।